साथियों, देश में एक बड़ी खबर ये चल रही है, आगरा के पास जो हाथरस है, उस हाथरस में बाबा का प्रवचन देखने के लिए गए हुए जो लोग थे, उसमें जाने वाले लोगों में बाबा के दर्शन करने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हो गई, उसमें दुर्घटना हो गई और 121 लोग अब तक मारे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक तो ये बाबा जो है ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। दूसरा, ये शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल कास्ट में जाटव जाति का है, तो ये सुनने वाले भी शेड्यूल कास्ट के और जाटव जाति के ही ज्यादातर लोग थे, तो मरने वालों में भी जाटव जाति के ही लोग हैं। तो ये जो बाबा है, ये बाबा लोगों को गुमराह कर रहा है और इस झूठ का प्रोपोगंडा कर रहा है कि उसने ईश्वर उसको ईश्वर ने साक्षात्कार दिया, दर्शन दिया। ऐसा झूठा प्रोपोगंडा करने के आधार पर वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है और इसकी वजह से लोग इकट्ठा हो रहे कि ये कौन आदमी है जिसको ईश्वर ने साक्षात्कार दिया, दर्शन दिया। इसकी वजह से इतने ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, इसकी वजह से अभी तक 121 लोग मर गए। सबसे पहले तो इस झूठ को प्रोपगंडा करने के आधार पर बाबा पर केस करना चाहिए, दूसरा आयोजन करने वाले पर केस करना चाहिए, और बाबा पर और आयोजन करने वाले लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर करना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। निश्चित रूप से बाबा भाग गया होगा और भागने के लिए सरकार ने मदद किया होगा। सरकार उत्तर प्रदेश में है और बीजेपी की सेंट्रल में और स्टेट में सरकार है, जब से आई है तब से बाबा लोगों का, सारे देश भर में बाबा लोगों का हंगामा हो गया है। बाबा लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, लोगों को संविधान के अंदर लिखा हुआ है अंधश्रद्धा का फैलाव और प्रचार करना एक कानूनन विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसके बावजूद भी भाजपा आरएसएस के लोग जो है इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए ये लोग भी इसको जिम्मेदार माने जाने चाहिए। सबसे पहले तो इस बाबा को, आयोजन करने वाले लोगों को, उन लोगों को पहले अरेस्ट किया जाना चाहिए और फौरी तौर पर उनको जमानत ना मिले ऐसी व्यवस्था करना चाहिए और 3 महीने के अंदर अंदर उनको जेल में डाल देना चाहिए और हत्या का मुकदमा भी उनके ऊपर चलाया जाना चाहिए। जो मरे हुए लोग हैं और उनके रिश्तेदार हैं, उनके दुख में हम सहभागी हैं, मगर मैं समाज के पढ़े लिखे लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे आयोजनों से दूर रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है, उसको सुधार करने का काम 10 साल से भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी हो नहीं रहा और इसकी वजह से उसके तरफ से लोगों का ध्यान
डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बाबा के लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये बाबा को फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए, आयोजन करने वालों को फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनको किसी स्थिति में जमानत जेल होने तक नहीं दिया जाना चाहिए। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद।